इतनी लमसम खान है इनका, वो खुद ला करके खिला दे, रोजा तैयारी करवाती है। मतलब हद से ज्यादा होते हैं रमजान में, मतलब हद के जैसा, लेकिन हद से अच्छा लगता है, हद से अच्छा लगता है। आज में माथा फूट जाता है, आप लोग आए करके चले गए, बस नमाज के टाइम में आते हैं आप, आते हैं। अब वो तो यहाँ अलग उड़ जाते रमजान में, पर 10-20 दिन के लिए इत्तेकाफ में बैठना वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही आ जाओगे तो आपको करने की उधर पैसा खर्चा करने जो नहीं है, तो सब हो जाएगा ऐसा सिस्टम चाहो ताकि बस आजाद फैमिली को नहीं लगे। फैमिली का तो क्या है कि बड़ी तकलीफ, वो चक्कर मेहनत ज्यादा है, वो तो तुम्हारे जैसा कलाकार तुम्हारे जैसे साथ आ जाए, वो परेशानी क्या है कि पहाड़ इलाका लेडीज के लिए सिंगल आए ना हाथ बना के, वो सही जमात बना के आवाइट, बहुत स्वभाव का स्वभाव, सब इत्तेफाक मोहब्बत से सब खेले, क्योंकि भाई अपन तो जमात वालों के साथ में रहे हुए, हम तो जमाती पर बहुत अच्छा सिस्टम, अल्लाह बस इस जमातियों के साथ में रहो, उसमें बहुत ही अल्लाह ताला बरकत देता है, बरकत बेशक बेशक लगा बहुत अच्छा। तो देखो कुछ, हाँ को रमजान महीना देखने का है, पूरी इबादत हो जाए, अपने महीने को पूरा हो जाए, आपकी बड़ी खुशी नजर आएगी आपको, बोलगा यार जाने का दिन नहीं, जाके इंडिया के कितने हो गए प्रसाद, कितने हो गए आप लोग, 5-6 लाख से भी और ऊपर काम करने वाले, इंडिया के 5-6 लाख और वो ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, और हरम में होंगे 3-3 हजार होंगे इंडिया के से, दिखते नहीं, अरे माशाल्लाह, अपना को दिखते हैं थोड़ी ना। अच्छा, सब इंडिया में और भी कोई कितने बताए कितना काम करे, तो कितना काम करे, 8-9 हजार आदमी से ऊपर है, 3 शिफ्ट में काम होता है ना, 24 घंटे 3 शिफ्ट काम चलता, 3 शिफ्ट काम चलता है, 24 घंटे पाकिस्तान बांग्लादेश के भी, अपने अफगानिस्तान सभी जगह के लोग, अच्छा बांग्लादेश सभी जगह के, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा है, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी, बांग्लादेश के क्या है कि मक्का ये सब बिल्डिंगों में भी काम करते हैं, तो बड़े बड़े सब अपने इंडियन पाकिस्तानी समान है, इंडिया पाकिस्तानी, माशाल्लाह किसी पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बता देते हिंदी में, इंडिया पाकिस्तान वाले सऊदी को, अगर उसको आजकल थोड़ा कुछ यंग लड़के समझ रहे हैं इंग्लिश वगैरह, थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, पहले नहीं पढ़ो, अरबी 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 से अभी सब सीख रहे हैं, अभी हर जवान सीख, जरूरी है ना सीखना, तो हर जगह का मुल्क का आदमी आ रहा है, बात तो ये है, 50-60 लाख आदमी का आएगा, 40 लाख का समझो, 40 लाख मैं हरम में पूरे एक बार में कितने आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। हाजी साहब ये देखो, अभी ज्यादा मत जाओ, आप कितनी जगह खड़े के आप अंदाजा कर, अभी कितना ये पत्थर लगा हुआ है बेहिसाब है, ये पत्थर में इतनी सी अपनों को एक आदमी को इतनी जगह चाहिए, अब ये एक पत्थर देख लो, ये तो हम तुम ये एक सबका पत्थर है, समझ गया मतलब 10-20 लाख का आदमी नमाज पढ़ सकते हैं ज्यादा भाई साहब। अभी यहाँ में तो गए नहीं है, खाली इधर का एरिया देखे, चले क्या नजर, तुम जाओगे तो गुम हो जाओगे, इतना बड़ा हरम बना हुआ है, निकलने का बोलोगे मैं किधर जाऊँ, रास्ता भूल जाएगा। अच्छा, और ये बहुत बड़ा हरम बना, ऐसे सुझे नहीं पड़ा है, ये एरिया आपको देखा हुआ, वो एरिया में तो अभी गए नहीं, मतलब अभी
इस बार कितने आए होंगे? हमने देखो अपने इंडिया का आया 2 लाख का, अच्छा। इंडोनेशिया का 2,10,000 आया, अच्छा। पाकिस्तान का भी 2 लाख के करीब आया, अच्छा। ये दोनों तीनों मुल्कों के बड़े, अच्छा। तो अब 6 लाख होगा तो और दूसरे मुल्कों से कितना, बांग्लादेश का भी किसी भी इतना ही आया होगा, 30-1 लाख होंगे, 30 से ऊपर 40 लाख आदमी। और यहाँ पे जो हम जैसे काम करने वाले हैं ये इधर उधर से पूरे सऊदी से आ रहे हैं, फिर दुबई, बहरीन, कुवैत, ये अलग आते हैं, तो हमारे को यहाँ से 6 तारीख को मीना में भेज देते, फिर यहाँ की इनकी बसें से ये भर भर के आती है, अच्छा। ये उम्र तबाह करके फिर जाते हैं, अच्छा।